सोनीपत के गोहाना में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नशे की पूर्ति करने के लिए और शौक पूरा करने की लत ने तीन दोस्तों को गुनाहगार बना दिया। तीनों आरोपी गोहाना के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बाइक चोरी की 8 वारदातों को कबूला है और छीना झपटी व अन्य वारदातों को भी इन्होंने अंजाम दिया था। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। गोहाना पुलिस ने बाइक चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। देर शाम जींद रोड आश्रम पर पुलिस गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने 8 वारदात को कबूला है। 3 मोटरसाइकिल सिविल लाइन रोहतक से चोरी की थी, वहीं 2 मोटरसाइकिल सिटी थाना के अंतर्गत चोरी की गई थी। आरोपी अर्पित उत्तम नगर गोहाना, दूसरा आरोपी रोशन उर्फ बच्ची देवीपुरा और तीसरा आरोपी कुलबीर जागसी गांव का रहने वाला है। नशे और शौक को पूरा करने के लिए तीनों दोस्त वारदात को अंजाम देते थे। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। सारा कल हमारी टीम बस पड़ताल पर थी। नजदीक तीन रोड आश्रम के पास शाम को सूचना मिली कि भाई 3 लड़के हैं जो बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनकी सूचना पर हमने तीनों लड़कों को राउंडअप किया। राउंडअप करके पता चला कि हमारा मुकदमा में एक मोटरसाइकिल चोरी जो साथ में ले हुए थे वो बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिनको वहाँ से गिरफ्तार करके थाने में लाकर जनता से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने 8 वारदातों का खुलासा किया है, जो जिनमें से 3 मोटरसाइकिल तो सिविल लाइन रोहतक से चोरी है, 2 मोटरसाइकिल हमारे थाने की चोरी थी, 1 मोटरसाइकिल और जिसमें पहली मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है, और 2 अन्य वारदातें और जिनमें लक्ष्मी नगर से एक ओल्ड लेडीज से पर्स छीना था और पुरानी सब्जी मंडी में एक गाड़ी से पैसे चोरी किए थे। तो सर ये कहाँ के हैं? ये एक है अर्पित, उत्तम नगर गोहाना का रहने वाला है। दूसरा इसका दोस्त रोशन उर्फ बच्ची, ये देवपुरा का रहने वाला है। और तीसरा कुलबीर टोनी, ये दक्षी गांव का रहने वाला है। तीनों दोस्त हैं। सर कुछ बताया चोरी क्यों करते थे, किस लिए करते थे? चोरी आवारा हैं, नशे के लिए भी और आवारापंथी में ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो अपना जो नशे की पूर्ति के लिए पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं? नशे भी वैसे नहीं कह सकते सारा, लेकिन आवारापंथी में बैठा खर्च चलाने के लिए भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो अपने शौक पूरे करने के लिए? शौक पूरे करने के लिए। तो सर रिमांड पर लिया है इनको? आज माननीय अदालत में पेश करके तीनों आरोपियों को 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनसे जनता से और पूछताछ की जा रही है। सर ये दो बाइक हैं गोहाना सिटी की, वो कहाँ कहाँ से चोरी की गई है? वो एक अपना रोटा पार्क से चोरी हुई थी और एक मंडी में सत्संग भवन के पास से चोरी हुई थी, और एक तीसरी बाइक है जो जिसमें बाइक हमने पहले ऑलरेडी मिली हुई है वो पुरानी सब्जी मंडी से चोरी हुई थी। तो अभी बताया इस तरह एक लूट का ही मामला, हर एक पैसे चैन खोसने का मामला? नहीं, चैन का मामला नहीं था। ये एक ओल्ड लेडी है अपना लक्ष्मी नगर की रहने वाली, ये अर्पित और उसका दोस्त है ये रोशन उर्फ बच्ची, इन दोनों ने मिलकर ओल्ड लेडीज से पर्स छीना था जिसमें लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास था, और इन दोनों ने नेक्स्ट डे ही इसी मोटरसाइकिल पे एक पुरानी सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी थी जिसमें शामली के रहने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ सब्जी लेने गए थे, गाड़ी ऐसे खुला रहेगा वहाँ पर पैसे निकाले थे।